भाई साहब, है और ये मूंग दाल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो स्वागत करते हैं अपने चैनल स्ट्रगल लाइफ साइबर में। और भाई आज नया लुक में तो सोचते होंगे भाई स्कूल पे काहे पहना। तो दरअसल एक वेडिंग है हमारे एक रिश्तेदार में, तो वहीं जा रहे हैं। और कोलकाता का वेडिंग कैसा होता है दिखाएंगे, और आज कोलकाता को दिखाएंगे नाइट में कैसा है। तो थोड़ा आज कोलकाता घूमते हैं, फर्स्ट दिन है हम लोगों का। और हमारे साथ प्रिंस बाबू भी रेडी हो गए। क्या प्रिंस, कैसा लुक इज द गुड। तो हम लोग यहाँ से सब नहा वहा लिए और यहाँ से सब सामान लेते हैं और चलते हैं अभी। तो बता रहा कैसा लुक लग रहा हम लोग का, और आपको आज दिखाते हैं कोलकाता अच्छा से। और यहाँ से हम लोग देखो सुबह सुबह उठे तो हम लोग का नज़ारा ये होटल से ये था, इतना शानदार खूबसूरत नज़ारा है। हम लोग पास में ही है एकदम। तो चलो निकलते हैं, चल पे निकल जाए। बाहर निकल चुके हैं हम लोग और यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं फिर जाते हैं। हाँ स्मार्ट लग रहा भाई, स्मार्ट लग रहा है। निकल गए हैं और थोड़ा हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा, और आपको दिखाएंगे अच्छा से। जोकर तो नहीं लग रहा है, ओके ठीक लग रहा है ना, ये बन लग रहा है, क्या बात। चलो भाई और बातें करते हैं। तो भाई साहब निकले तो भूख लगे, सोचा कि चलो पहले नाश्ता हम लोग कर लेते हैं। ये पूड़ी मंगवाए हैं और इधर देख रहे हो एकदम मूंग दाल है, बहुत शानदार था सब्जी। उसके बाद नाश्ता उस तक कर लिए, फिर हम लोग निकल गए रोड साइड। और इधर छठ का बहुत तैयारी चल रहा है हमारे बिहार के लोग, जहाँ जहाँ भाई छठ तो होता ही है। तो खुशी लगा कि देख के कि हाँ भाई चलो छठ जारी है अभी कोलकाता में भी। उसके बाद भाई साहब हम लोग इधर आ गए थे और लगा था जूस, भूख लगा था चलो जूस भी पी लेते हैं। तो यहाँ पर बनवा रहे हैं मिक्स जूस और पीते हैं हम लोग यहाँ पर। एनर्जी ले लेके पी रहे भाई, एनर्जी लेके घूम रहे हैं भाई, खाली रात में खाली पैदल घूम रहे हर जगह। ये बस देख सकते हो एकदम, अभी भी हम लोग को यहाँ लगता है कि 90s की कुछ कुछ चीज़ें जो है जब यादें हो जाती हैं यहाँ। तो फिर वहाँ से जूस पीने के बाद आ गए थे शादी में, और एक शादी था फैमिली फंक्शन था तो आ गए थे यहाँ। और दूल्हा बाबू भी आ गए हैं, बराती आ चुकी थी, तो यहाँ से शादी वादी थोड़ा होता है उसके बाद फिर निकलेंगे शाम में घूमने। और यहाँ निकाह जारी है, तो निकाह गाइस हो रहा है देख सकते हैं। हमारे मुसलमान और इस्लाम में निकाह इसी तरह होता है, सब दुआ वो पढ़ रहे हैं निकाह की। और उसके बाद निकाह कबूल हो गया था और सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे। तो हम भी भाई साहब पहचान गए थे हमको, वीडियो देखते हैं नवादा से आए थे तो पहचाने की वीडियो आपको देखते हैं। उसके बाद जो दूल्हे बाबू थे उनसे सोचे कि चलो भाई गले मिल के मुबारकबाद देते हैं। तो फाइनली जा रहे उनसे मिलने के लिए गाइस, और उनसे मिले वो भी खुश, वो जानते थे हमको तो उनसे भी मिल लिए और उनको बधाई दी भाई शादी की, बहुत बहुत मुबारकबाद। और भाई सब शादी का फंक्शन खत्म हो गया था, अब जा रहे हैं रूम तरफ, थोड़ा फिर बातें होंगी आपसे। भाई सब शादी उदी हो गया तो उसके बाद से हम लोग जा रहे हैं मटिया ब्रुज और आगे फ्रेंड्स है। तो यहाँ रेपुडो सबसे अच्छा सुविधा है, बाइक से कहीं भी निकल जाता है गाइस। चलो वहाँ जा रहे थे, आपसे बातें होंगी। और भाई सब देख सकते हो कोलकाता का शानदार नज़ारा, इतना खूबसूरत भाई, क्या मतलब। वही बाइक से जा रहे हैं और जा रहे हैं अम्मी उम्मी के लिए कुछ सूट उट लेने के लिए दुकान पे। तो फाइनली गाइस हम दुकान पे पहुंच गए थे मटिया ब्रुज, और इधर देख सकते हो दुकान बहुत बड़ी है। तो यहाँ से कुछ घर के लिए ले रहे हैं सामान, तो चलो लेते हैं यही सब है पसंद करके। भाई बाहर से सामान वामान लेने के बाद हम लोग आ गए थे और जा रहे भाई नहाने वाने, फिर निकलते हैं कहीं घूमने के लिए दूसरे जगह दिखाएंगे। तो सामान वामान लेके आ गए थे और अभी आ गए होटल में, तो जा रहे हैं नहाने वहाने फिर बातें करते हैं आपसे। तो भाई होटल से निकल गए थे और आ गई हम लोग की बाइक और जा रहे हैं थोड़ा विक्टोरिया घूमने के लिए, तो आपको दिखाते हैं। चलो सर निकल चुके हैं भाई, चार में विक्टोरिया के पास आपको दिखाते हैं और बताते हैं आज कैसा है। चलो भाई साहब, जवेद भाई अब हमारे ब्लॉग में है, वीडियो देखिएगा हमारा, बिहार के लाला। हाँ बिहार के भाई हमारे जवेद भाई मिल गए हैं और हम लोग लेके जा रहे हैं वहाँ विक्टोरिया। तो चलिए जवेद भाई कमाल कमाल आप मरते हैं, थोड़ा सिग्नल सुना कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मरते, चला जल्दी। तो भाई साहब वेलकम टू विक्टोरिया मेमोरियल। तो भाई सब हम लोग देख सकते हो या विक्टोरिया पहुंच गए, और हमको छोड़ने के लिए हम लोगों को जवेद भैया भैया बिहार से हमें खुशी हुई। और ये ब्लॉग में देख लीजिएगा ठीक है ना, जो सिवान वाले होंगे देखते हैं ब्लॉग देखेंगे। बहुत अच्छा लगा आपका सर्विस, बहुत अच्छा रहा यहाँ भाई सबका। चलो अंदर निकल ठीक है, ठीक है अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो भाई पहले टिकट खरीद रही यहाँ से, और प्रिंस गया टिकट लाने के लिए, तो यहाँ से टिकट लेते हैं उसके बाद अंदर जाते हैं, फिर अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। और यहाँ पर लाइन में लगना पड़ा, और देख सकते हो टिकट प्रिंस बाबू लेके आ गए थे, एक टिकट 50 रुपये का पड़ा हम लोगों का। तो चलो अंदर में जाते हैं और फिर आपसे दिखाते हैं शानदार नज़ारा। सो वेलकम टू विक्टोरिया मेमोरियल। इसका इतिहास ये रहा था कि एक इंग्लैंड की महारानी थी
और उन्हीं के आगमन पर यहाँ भारत में ये बनाया गया था। यहाँ के जो समय गवर्नर थे उनकी खुशी में, उनके मतलब आने की खुशी में विक्टोरिया नाम की महारानी थी उनका नाम पे विक्टोरिया मेमोरियल बना। इसको बनाने में 1906 से लेकर 1921 तक उसको तैयार कर दिया गया था, मतलब लग गया था अच्छा खासा टाइम इसको बनाने में। और इसको इमर्सन जो थे उसका डिज़ाइन, जो आप डिज़ाइन देख रहे हो, इमर्सन ने तैयार किया था गाइस। तो ये था इसका हिस्ट्री कुछ, और पूरा देख सकते हैं कैसा लग रहा है कुछ बोल। अब देख सकते हो कितना बड़ा में बनाया गया ये, और बहुत बड़ा नज़ारा यार विक्टोरिया मॉल। हाँ चल, भाई साहब देख सकते हो विक्टोरिया मेमोरियल, बहुत खूबसूरत एक नज़ारा यहाँ पे। और सब लोग भीड़ है, पूरा फैमिली के साथ आते हैं। चलो अंदर भी दिखाते हैं आपको। तो भाई अंदर एंट्री के लिए भी टिकट खोज रहे हैं, वो अंदर चलते हैं। तो भाई विक्टोरिया मेमोरियल में आपका स्वागत है, और देख सकते हो ये नज़ारा बनाया हुआ सर फ्रेंड्स, अंदर से है गाइस। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत खूबसूरत लग रहा है अंदर से नज़ारा। विक्टोरिया मेमोरियल मंदिर में है, ये नक्काशी देख सकते हैं कितना खूबसूरत है भाई। ये विक्टोरिया में घूम रहे थे और हमारे भाई मिल गए, वीडियो देखते हैं और पहचान गई है। क्या नाम है सर आपका? आदिल भाई हैं और धनबाद के हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और साथ में भी घूमते हैं हम लोग विक्टोरिया, ठीक है। चलिए हम लोग इन्जॉय करते हैं, ठीक है। अंग्रेज के ज़माना का तोप है भाई। चलो हम लोग के बाहर की इंग्लिश है सब, क्लाइव डेविड क्लाइव ही महान भाई सर। वेलकम वेलकम वेलकम। ये हमारे देश के महान महापुरुषों की तस्वीर भी है इस विक्टोरिया मेमोरियल में, और देख सकते हो इधर भी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत सारे हैं। तो हम लोग 1757 की क्रांति जब पढ़ते हैं, और ये देख सकते हो लिखा हुआ है सिराजुद्दौला ने रॉबर्ट क्लाइव से जी लिए थे, इस तरह का टॉप हुआ करता था उस दौर में। और यही तो बहुत लोहा का है भाई, बहुत भारी है, पता ना कैसे चलाता था सब उस समय। ये टॉप अभी भी है, पढ़ लेना आपको अच्छा सी इसको एक बार। चलो और कुछ दिखा दे नज़ारा। तो ये फर्स्ट फ्लोर से ऊपर का नज़ारा एकदम सामने से लग रहा है कि जैसे राजभवन कैसे होता उस टाइप का बनाया गया, एकदम बहुत खूबसूरत। देख सकते हो सब तरफ भीड़ बहुत ज़्यादा है, और इधर भी लोग हैं, हम पूरा पब्लिक मतलब हमेशा फुल ही रहती है, पूरा देखने के लिए आए हुए सब। और भाई थोड़ी ही देर में चलते चलते कुछ फैंस मिल गए हमारे जो वीडियो हमारी देखते हैं, मतलब सब फोटो साथ में ले रहा, तो बहुत खुशी हुई। बाहर निकल चुके थे और फैंस लोग थे पहचान गए यहाँ भी। तो चलो बाहर आ गए और दिखा दें आपको ये विक्टोरिया मेमोरियल आपको पीछे का है, और इधर बहुत खूबसूरत नज़ारा यार बनाया है स्मारक, बहुत शानदार है। और पूरा एक नज़ारा आपको दिखा दें, देख लो पूरा बहुत बड़ा महल भाई। हाँ बहुत शानदार शाम का नज़ारा है मेमोरियल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल गाइस, देख सकते हो, देखा दें इधर बहुत खूबसूरत नज़र है। पूरा देखा इधर प्रिंस, इधर घुमा पूरा घुमाओ देखा, और इधर देख सकते हो ये 90s वाला फील आ रहा है भाई साहब, फूल दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है इनको मोहब्बत पे। क्या बात है, बहुत अच्छा प्यार और इजहार चलता रहना चाहिए। हम लोग विक्टोरिया घूम लिए गाइस, ना ना विक्टोरिया घूम लिया और हम लोग निकल रहे बाहर, अब देखते हैं क्या जगह जाए। देखिए सब पीछे का है, और चलो बहुत अच्छा लगा विक्टोरिया, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे फैंस मिल गए, हमको उम्मीद नहीं था कि यहाँ भी लोग मिलेंगे लेकिन मिल गए। तो अब यहाँ से कुछ देखते हैं नया क्या घूमना है, तो चलो होटल में जाएंगे या कुछ घूमते हैं, बताते हैं आपको, तो मिलते हैं फिर बाद में बाहर। तो भाई साहब फाइनली ख़त्म हुआ, और चलो अब दूसरा जगह मिलो यार, बाहर घूमते हैं ज़रा। चलिए दादा तो भाई साहब हम लोग घूम रहे थे, अभी जा ही रहे हैं, और ये देख रहे हैं ईडन गार्डन है, यही है ईडन गार्डन गाइस, अंदर तो गए नहीं अभी और हम लोग अभी घूम रहे हैं। समझ गए भैया? हाँ दादा, जितना गाड़ी देख रहे हैं तो बिहार का है ना, ना, ना हम हमको खुशी इस बात की कि आप बिहार के हैं और नालंदा के हैं, तो हमको खुशी है सर। यूट्यूब पे चैनल है भाई का, और चलिए आपके नालंदा वाले जो देखेंगे वो देखेंगे, आपको पहचान जाएंगे।
टेंशन नहीं लेना है। चलो हम लोग जा रहे हैं मिलीनियर पार्क, वहाँ से फिर जाएंगे हम लोग शिप से, दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब यहाँ से हम लोग आ गए थे, क्रूज पे चलते हैं और उतर गए थे। चलो अंदर मिलीनियर पार्क, ये है आपका रेलवे स्टेशन भी। तो गाइस हम लोग हावड़ा के लिए निकल रहे हैं क्रूज पे जाने के लिए। हावड़ा में है तो जा रहे हैं हावड़ा। तो शाम का नज़ारा ही कुछ अलग है भाई इधर। चलो भाई मज़ा आ रहा ना। तो हावड़ा के पास है और हावड़ा जा रहे हैं, नज़ारा है। तो भाई नज़ारा ऐसा हो तो भाई फ़ोटो तो बनता है, फ़ोटो का तो खिंचवा रहे यहाँ पर। और क्या शानदार नज़ारा था भाई, मज़ा आ गया। उसके बाद भाई हम लोग निकल गए, अब जा रहे रूम पे, हालत ख़राब हो गया था। और यहाँ हावड़ा के पास आ गए थे, देख सकते हो पूरा हावड़ा का सीन है। और यहाँ से फिर कहीं निकलते हैं कुछ सामान वामान खरीदने। उसके बाद देख सकते हो नज़ारा भाई, ये पूरा हावड़ा ब्रिज है ऊपर से नीचे। राजा बाज़ार में घूम रहे हम लोग और जब सामान कुछ लेना था भतीजी के लिए सामान ले लिए। और यह राजा बाज़ार एरिया है, देख सकते हो पूरा माहौल, मतलब सही बताएं कुछ खाने के लिए आगे से मतलब विक्टोरिया से कुछ खाते ही था, देखते हो। तो खाना उना खाने के बाद फिर निकल गए थे रूम के लिए। भाई रात हो गया, चलो रूम पे बात फिर करते हैं आपसे। भाई साहब फाइनली रूम पे आ गए हैं और शादी वादी हो गया था, विक्टोरिया घूम लिए, फिर हावड़ा ब्रिज घूम लिए, हर जगह घूम लिए। तो आज पूरा हालत ख़राब है भाई, और आज लास्ट दिन है हम लोगों का। कल मतलब कल एक घूम के कल निकल जाएंगे, कल की ट्रेन है हम लोगों की, ट्रेन या बस देखते हैं जो है। तो यही सब था आज दिन भर, हालत ख़राब, पूरा घूम लिए कोलकाता अच्छा से। और आप लोग बताना कैसा ब्लॉग लगा, विक्टोरिया कैसा लगा और कलकत्ता की शादी कैसी लगी। तो यही सब था, चलो आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, जय हिंद गाइस। तो भाई कुछ फैंस मिल गए थे, उन्हीं के साथ फोटो टू वाला लास्ट सीन देख लेना था। और इधर देखो तो भीड़ लगा हुआ था और बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत खुशी हुई कि भाई सब लोग पहचान रहे हैं और फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। कलकत्ता में भी जारी है जलवा हम लोगों का, तो ये एक प्यार भाई है, बहुत मतलब क्या बताएं, बहुत खुशी हुई।